हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही दोपहर के 3 बजे, बिकॉज लास्ट नाइट यहाँ पे इतनी हैवी रेन हुई है ना, इतनी ख़तरनाक वाली बारिश हुई है। ऑलमोस्ट 1 घंटा हुई है बारिश, बट जो बारिश हुई है लिटरली बारिश तो हुई हुई, उसके बाद जो सबसे असल चीज़ तो उसके बाद हुई है बारिश। 1 घंटा सही तेज़ वाली पड़ी, उसके बाद यहाँ पे बारिश रुकी, उसके बाद फ्लड आया भाई यहाँ पे। ऑलमोस्ट लोगों के घरों में गया है वो पानी, इतना इतना ज़्यादा पानी आया था यहाँ पे, हमारे घर में भी गया। नॉर्मली ना मानसून के सीज़न में ना हर घर के बाहर बाउंड्रीज बनी होती हैं ताकि पानी जो फ्लड होता है वो घर के अंदर ना आ सके, बट वो मानसून के सीज़न में ही बनती हैं। और लोगों को यही, जबकि यही लगता था कि मानसून का सीज़न में खाली फ्लड आता है, बट कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था कि इतनी हैवी रेन होगी ताकि वो लोगों के घरों में फ्लड आ गया। और कई लोगों ने तो वो बाउंड्रीज हटा दी थी ताकि, क्योंकि वो मानसून के सीज़न में आते ज़्यादा फ्लड, नॉर्मली कोई मौसम में इतना होता नहीं है। तो हैवी रेन तो ये अनएक्सपेक्टेड थी ये हैवी रेन। तो जब ये हुई है तो उसके बाद जो फ्लड आया हमारे घर के सामने वाला, जो मतलब हमारे नेबर्स थे उनके घर में ऐसे पानी गया जैसे कोई डैम का पानी जाता है ना, मतलब कोई नदी छूट जाती है वैसे उनके घर में गया। हमारे होम टाउन में ना काफ़ी लोग के नुकसान हुए, काफ़ी लोगों के ना जो घर का सामान होता है फर्नीचर वगैरह, कम्फर्टर्स, रज़ाइयाँ वगैरह, जो ऊपर कपड़े होते हैं, सब बहुत ख़राब हुआ है। लोगों का इतना नुकसान हुआ है ना हमारे होम टाउन में जितना ये फ्लड जो आया है अभी इस वक्त। तो जब हमारे मतलब बारिश स्टार्ट हुई थी ना तो हमें लगा नहीं था कि इतना मतलब नुकसान होगा बारिश में, क्योंकि जब स्टार्ट हुई तब स्लो थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रही। 1 घंटे में इतनी तेज़ बारिश हुई है ना कि इतना नुकसान हुआ लोगों का, कि जब हमें पता चला ना बारिश बढ़ रही है अब कम नहीं होगी, तो हम मेरी मम्मा बोलती कि ना नीचे से सारा सामान उठा के ले। हमारे जो नीचे वाला फ्लोर है ना वहाँ पर काफ़ी चीज़ें हमारे कबर्ड पड़ी हुई है, वहाँ पर हमारे जितने भी विंटर्स के कपड़े सब वहाँ पर पड़े हुए हैं, तो वो हम सब उठा के ऊपर लेकर आए थे। और मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर हमने कैसे जो संभाल के रखे थे, क्या ये हम लोग लेकर आए थे सारे ना, जितने भी हमारे नीचे विंटर्स के क्लॉथ्स थे या हमारे जितने भी कबर्ड में कपड़े सब उठा के लेकर आए थे हम नीचे से। ये देखो ये कंबल वगैरह हैं, जितना भी सामान था सब हम उठा के लेकर आए थे। वो भी सिर्फ 15 मिनट में हमने सारा पूरा नीचे का पोर्शन खाली कर दिया था। हम तो फिर भी उठा कर ले आए थे ऊपर, बट जिनका सिर्फ सिंगल फ्लोर है, मतलब जो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं उनका कोई सेकंड फ्लोर नहीं है, तो वो उनको ज़्यादा नुकसान मतलब हुआ है, कि हम तो उठा के ले आए थे नीचे से चीज़ें ऊपर रख ली हैं, बट जिनके नहीं है फ्लोर, जैसे सेकंड फ्लोर नहीं है, तो उनका तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। उनके काफ़ी कपड़े, सामान, फर्नीचर, हर चीज़, मतलब जहाँ तक के खाने पीने की चीज़ें भी उनकी ख़राब हुई हैं। बट यही प्रेयर उनके लिए कि आई विश के वो जल्दी से जल्दी रिकवर करें इस मुश्किल वक्त से, एंड उनके लिए यही प्रेयर है कि वो जल्दी से जल्दी मतलब ऑन द ट्रैक आ जाएं। और इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।